नमस्कार, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं जे न्यूज। उत्तराखंड में एक बार फिर सियासी संग्राम देखने को मिलने जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चंपावत में होने जा रहे उपचुनाव के लिए अपना नामांकन भर दिया है। चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन भरने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर धामी नगरातराई गाँव में अपने कुल देवता के मंदिर गए और आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि चंपावत देवों की भूमि है और उन्हें यहाँ की जनता पर पूरा विश्वास है कि सभी उन्हें अपना आशीर्वाद देंगे। उन्होंने कहा कि वो चुनाव जीतने के बाद चंपावत को एक आदर्श विधानसभा बनाने के सपने को पूरा करेंगे। सीएम पुष्कर धामी के विरुद्ध कांग्रेस ने निर्मला गहतोड़ी को अपना उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस भी उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को कड़ी टक्कर देने के प्रयासों में लगी हुई है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी भी उपचुनाव में हिस्सा लेने जा रही है। उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने भी सभी तैयारियां दुरुस्त कर ली हैं और पोलिंग पार्टियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी नियुक्त कर दिया गया है। 11 तारीख तक नामांकन की प्रक्रिया के बाद 17 मई तक नाम वापसी हो सकती है, जिसके बाद 31 मई को मतदान होंगे और फिर 3 जून को मतगणना के बाद परिणाम सामने आ जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जे न्यूज। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शान रजा और मेरे साथ हैं भामिनी और केशव। तो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं इस 8 तारीख को यानी मदर्स डे पर आपके लिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत गाना जो आप सभी अपनी माँ के लिए डेडिकेट कर सकते हैं, जो गाया है भामिनी ने और मेरे भाई छोटे भाई केशव ने। और ये गाना आपको बहुत पसंद आने वाला है और इसको हम इस गाने को लॉन्च कर रहे हैं अपने चैनल स्काईफ्लेक्स म्यूजिक पर। और मेरा सभी से आपसे बिल्कुल दिल से निवेदन है कि आप लोग इस गाने को देखें और आपको बहुत 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 अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। हमने इस गाने को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत करी है, तो आप प्लीज इसे देखना। गाने को शानू भाई ने लिखा है और मेरी दीदी और मैंने इस गाने को गाया है। इस गाने में मेरी मम्मा भी साथ है, तो आप इस गाने को प्लीज देखिए।